हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। दोस्तों, आज हम आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं अपने नए रिपोर्टर्स के, जिन्होंने आज ही हमारे चैनल मेवात आज तक को ज्वाइन किया है। इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने क्या सोचकर हमारा ये चैनल ज्वाइन किया है और ये कहां से हैं, इसलिए हम आपसे इनको रूबरू करा देते हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल मेवात आज तक में। दोस्तों, जैसा कि अभी किंग सर ने आपको बताया कि मेवात आज तक जो मेवात का एक उभरता हुआ चैनल है, यहाँ कुछ एंकर्स के लिए वैकेंसीज निकली हुई थी, तो मैंने इसको इग्नोर किया और सोचा कि इस तरीका के एक क्षेत्रीय चैनल में, और वो भी एक पिछड़ा इलाका मेवात के लिए चैनल है, काम करता है मेवात के लिए, इसमें काम कर कर मैं क्यों अपनी रेपुटेशन ख़राब करूँ, किसी बड़े चैनल में काम करना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर से आवाज़ आई, मैंने सोचा क्यों नहीं अपना इलाके, अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए पहले काम किया जाए। तो ये सोचकर इसलिए मैंने भी इसके लिए अप्लाई कर दिया। आज सुबह से इंटरव्यू हो रहे थे और इंटरव्यूअर आ रहे हैं, तो मैं धन्यवाद करता हूँ मेवात आज तक का और मेवात आज तक की सारी टीम का और इसके एडिटर अरशद बिसरू का, क्योंकि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मुझे इस टीम ने मेवात आज तक ने सिलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले आप अपना नाम, गांव जहां से भी हो, आप अपना पूरा पता हमें बताइए। मेरा नाम साहिल खान है और मैं हतील के पास गुराक्सर जो गांव है, मेवात के अंदर मशहूर गांव रहा है, उस गांव से बिलोंग करता हूं। और वैसे मेरी क्षेत्रीयता की पहचान या धर्म जाति की पहचान से पहले मेरा पहचान जो है वो एक भारतीय होने की पहचान है। और अगर आप मेरी शिक्षा के बारे में जानना चाहते हो, मेरे शिक्षा के बारे में जानना चाहते हो, तो मैंने पत्रकारिता में दिल्ली से जेआर मीडिया कॉलेज, जो एक पत्रकारिता की दुनिया में, मीडिया की दुनिया में एक नाम है, एक ब्रांड है, जिस अश्विनी चोपड़ा जिस संस्थान को चलाते हैं, उसे लीड करते हैं, वहाँ से डिप्लोमा किया है और ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट है जो मैंने इग्नू से की है। उसके बाद मैंने और कई कॉलेज से कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी किए हैं, जो कि मेरे आपने बायोडाटा में वो देख चुके हैं, मेरे सर्टिफिकेट जो हैं वो सर ने देखे हैं अभी और आपने भी देखे हैं। तो मेरी एजुकेशन शिक्षा इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितनी भी शिक्षा है वो मैं जानता हूँ अपने क्षेत्र के लिए, इंसानियत के लिए काम करने के लिए काफ़ी है, और जो आप पूछना चाहते हैं मैं बताने के लिए तैयार हूँ। आपने पहले भी कहीं एंकरिंग का काम किया है? हाँ, एंकरिंग का काम तो नहीं किया, लेकिन मैंने पंजाब केसरी दिल्ली काम किया है और कई संस्थानों में जुड़कर कुछ समय के लिए काम किया है, लेकिन वहाँ की पॉलिसीज, वहाँ के लोगों का रवैया मुझे पसंद नहीं आया, कि जहाँ पर सम्मान नहीं वहाँ की मुझे सैलरीज और वहाँ का जो पद है वो मुझे मंजूर नहीं। सबसे पहले सम्मान है, और इससे पहले मेवात के लिए अगर मैं काम करूँगा तो जाहिर सी बात है वो काम मेवात के लिए ही नहीं, वो काम सबसे पहले मेरे अपने लिए है, ये सोचकर ही मैंने इस चैनल को ज्वाइन किया है। आपने सबसे पहले हमारा चैनल कहाँ देखा, किस तरीके से हमारे चैनल का जो नाम है आपके दिल में आया, कैसे हमारे चैनल आपके दिल में घर कर गया? हाँ, बात बहुत अच्छी पते की पूछी है आपने कि आपने हमारे चैनल को क्यों ज्वाइन किया। मैं एक जॉब के सिलसिले में दिल्ली जा रहा था, तो मेरे एक दोस्त हैं वो मेवात से बाहर के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने की बातों से मुझे पता चला कि मेवात आज तक एक चैनल है और वो आप इस चैनल के बारे में मुझसे कुछ जानना चाह रहे थे, क्योंकि उसने पत्रकारिता में उसने भी डिप्लोमा किया था और हम एक प्राइवेट चैनल जो दिल्ली के अंदर बड़ा नेशनल चैनल माना जाता है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वहाँ इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे। तो उसने मुझे बातों ही बातों में कहा कि आप वहाँ दिल्ली जाने की क्या ज़रूरत है, आपके पास काम करने के लिए मेवात आज तक जैसा चैनल है और जो मेवात से ही चलाया जा रहा है, तो आप वहाँ पर जाकर पहले काम ढूंढिए, आपको आसानी से काम मिल जाएगा क्योंकि आप उसी क्षेत्र से आते हैं। तो मैंने कहा कि मैं मेवात ऐसे छोटे चैनल में काम नहीं कर सकता, तो उसने मुझे कुछ इंटरव्यू और कुछ वीडियो, कुछ खबरें इस चैनल की चला कर दिखाई कि आप इस चैनल को छोटा चैनल कैसे कह सकते हैं। तो मैंने जो पहली वीडियो उसकी देखी वो डिंगर हेडी कांड के ऊपर थी, तो मैंने उसकी खबर जब देखी तो इस चैनल ने वाकई मेरे दिल को छू लिया कि हाँ, सचमुच मेवात के लिए काम करने वाला ये एक खास चैनल है, इससे एक साथ काम जुड़कर क्या जा सकता है।
तो उसी दिन मैंने सोचा था कि चलो किसी दिन कॉन्टैक्ट करूँगा, संपर्क करूँगा। तो अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपकी एड देखी थी जिसमें आपने एंकर्स के लिए वैकेंसीज निकाली हुई थी, तो मुझे वो बात ध्यान आ गई कि हाँ ये वही चैनल है जो वैकेंसीज निकाल रहा है, जिसके साथ जुड़कर काम करने की मैं इच्छा जाहिर कर चुका था। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ हमारे नए रिपोर्टर साहिल खान, जो कल से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं और आने वाले टाइम पर आपको मेवात आज तक पर ये दिखते रहेंगे। और इसलिए देखते रहिए मेवात आज तक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।